पूरे देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि 10 साल में जो गरीब कल्याण की, सुशासन की, महिलाओं की, युवाओं की, गरीबों की और किसानों की उत्थान की जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए लागू की थी, देश में बनाई थी, उन सब पर देश की जनता ने मोहर लगाई है। इसके साथ साथ देश में 10 सालों तक एक स्थिर, अस्थाई और मजबूत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दी गई, जिसने अनेक सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया। वहीं देश दुनिया के अंदर भारत का नाम आगे बढ़ाया, वैश्विक पहचान बढ़ाई, देश का मान सम्मान, हर भारतवासी का गौरव आगे बढ़ा। उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, NDA को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें यहाँ पर भाजपा को जिताई, 5 कमल यहाँ से दिल्ली भेजे हैं और उत्तराखंड देवभूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। मैं देवभूमि की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से उनके हृदय में, मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में मोदी जी बसते हैं। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने मत देकर 5 सीटें यहाँ जिताई है। हम तेज़ी से राज्य के अंदर जो सुशासन है, गरीब कल्याण है, विशेषकर हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए हमने नारी शक्ति बंधन, हिजाबेणी, दीदी भूली, ऐसे बेटी बुआरी, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक जनपदों में जाकर किया। उसके पीछे हमारा हेतु था कि मातृशक्ति को आगे आना है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जानी है, उनको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी सुरक्षा भी, उनका स्वावलंबन भी और स्वरोजगार भी, ये सब तेज़ी से आगे बढ़े, उसके लिए सरकार कृत संकल्पित होकर आगे भी काम करेगी। और हम यहाँ के गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं उनको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, जन जन के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में पूरे गांव-गांव तक जाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने बड़ा समर्थन हमको दिया है, हमारा प्रोत्साहन किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।